तो वो जो 10,000 का काम है वो सोसाइटी के लिए हमारी कंट्रीब्यूशन है, हम दाता बन जाते हैं और दाता को ही देवता बन जाते हैं, हमारे दिव्य गुण आते हैं। तो जैसे हमारे गलत काम करते करते कलयुग आया, ऐसे अच्छे कर्म करते करते और फैलाते फैलाते सारी दुनिया में सती दुनिया में भी आ सकती है, ये हमारा विश्वास है। और क्योंकि हमने देखा कि इतने 12,000 प्रोग्राम हो चुके हैं, हम कहते हैं हम 2-3 लाख या 1 मिलियन 10 लाख प्रोग्राम करें, फिर उनको भारत सरकार की तरफ लेकर जाएं, तो वो भी स्पॉन्सर करें, मोदी जी के पास लेकर जाएं, वो भी इसको अपने हाथ में उठाकर सारी दुनिया में इसको लेकर जाएं। तो हम ऐसा कहते हैं 2018 में वी शुड सेलिब्रेट ईयर ऑफ गुडनेस एंड हैप्पीनेस, और 2019 में गांधी जी का जो 150 वर्ष का है, हम कहीं सारी दुनिया में डिक्लेयर करें यूनाइटेड नेशन भी ईयर ऑफ गुडनेस एंड हैप्पीनेस 2019। तो ऐसा हमारा लक्ष्य है। तो हम जो जगह जगह जाकर कहते हैं लोगों को, स्कूल कॉलेजेस में जाओ, रैलीज करो शहरों में, अच्छे कर्म करने की, अच्छा वातावरण फैलाने की। उसके कारण से हम जहाँ भी जाते हैं सबको ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनिंग लेकर फिर वो आगे जाके प्रोग्राम करने लग जाते हैं। वो कोई कहता हम 1,000 प्रोग्राम करेंगे, कोई शहर में कहते हैं कि 2018 का वर्ष है, हम 2018 अच्छे प्रोग्राम करेंगे। तो इस तरह ऐसे ही साधारण लोगों से क्रांति आएगी। हम जो गरीब निवास भगवान को कहते हैं, भोलानाथ कहते हैं कि गरीबों के द्वारा ही सती दुनिया की स्थापना होगी, तो परमात्मा आकर सती दुनिया बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स। मेरे को पहले लगता था लोग कहेंगे अच्छे कर्म करने का इस समय जमाना नहीं है, पर इस समय लोग बुरे कर्म देख देख कर भी थक गए हैं। तो जहाँ भी मैं जाता हूँ वो कहते हैं इससे आशा की किरण जैसे फैलेगी, उनको एक विश्वास होता जा रहा है कि हमको अच्छा बनने से डरना नहीं है और अच्छा करने की हम क्रांति लाएंगे, सबके चेहरे खुल उठते हैं।